नहीं कर सकते, वो लाहौर कैप्चर करना चाहते थे, अल्लाह ने लाहौर के दरवाजे पर रुस्वा किया। वो हमारी प्रेयर अटैम्प्ट थी, हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोशिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने काफी प्रेयर अटैम्प्ट की, हम काफी कैप्चर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नतीजा हमारे हाथ नहीं है, खैर शुजात करेगी वो हमारा मिलास है, उसका हमने मुजाहरा किया। बच्चे ने सवाल किया कि मीडिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, हम चुप क्यों हैं? बेटा हम चुप हैं नहीं बेटा, एक बात हम बता देंगे, हम खत्ते में पाकिस्तान, हमने कभी भी हिंदुस्तान को नहीं तोड़ा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ा, हमने उनके इलाकों पर कब्जा नहीं किया हुआ, उन्होंने हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ। और ये भी हम आपको बता दें, हम उनके साथ अमन से रहना चाहते हैं, वो हमारे साथ अमन से नहीं रहना चाहते, जंग वो शुरू करेंगे, लेकिन खुशखबरी हम ये दे देते हैं कि इंशाअल्लाह खत्म हम करेंगे। आज हिंदुस्तान में 150 सरकारें तरीके काम कर रही है हिंदुस्तान की फेडरेशन को तोड़ने के, सबसे ज्यादा खतरा इंडियन की इंडिया फेडरेशन को मुसलमानों से नहीं है, नक्सलाइट से, मार्च से, तमिल से, नागर से, उन तमाम कौमों से जो तकरीबन 40-50% इंडियन फेडरेशन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन इंडियन मीडिया ज्यादा पेट्रियोटिक है अपने गोल के साथ, लिहाजा उन बातों को जाहिर होने नहीं देता। इंडियन फेडरेशन इसको इतने प्रेशर में कि थोड़े दिनों के बाद हमने फैसला कर लिया कि हम सिखों की मदद करें, नक्सलाइट मार्च तमिल की मदद करें, बाय गॉड हम अल्लाह के भरोसे पर बात कर रहे हैं कि 3 साल नहीं लगेंगे कि इंडिया श्रीलंका के साइज का हो जाए। लेकिन वो जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में बर्पा कर रहे हैं, जो उन्होंने हमारा खून बहाया, जो उन्होंने हमारी जानों को बेवा किया, हमारी बेटियों को यतीम किया, इसका हिसाब हम उनसे लेंगे, ये बात हमको साफ है। सवाल बच्चे ने किया है, खुश उठी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरी बात इकबाल ने जो सिफात बताई है, इकबाल ने जो एट्रीब्यूट बताए, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ अफसोस, उस हील भी विजनरी, हील भी जिसकी बातें तुम्हारे दिलों में उतरे, यानी भी स्पिरिचुअल भी, और तूने मुझसे पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, इकबाल के क्षेत्र में फिर सुनाते हैं बच्चों, जिसमें द रियलिटी द विजडम द विजन ऑफ ऑफ ट्रू मुस्लिम लीडर, तूने मुझसे पूछ इमामत की हकीकत मुझसे, खुदा तुझको मेरी तरह साहिब इसरार करे, वही है तेरे जमाने का इमाम पर हक जो तुझे हाजिर और मौजूद से पेशाब करे, मौत के आने में दिखा कर तुझे मुझे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार। मेरे बच्चों याद रखो, हमारे लीडर, हमारे रोल मॉडल, हमारे सरबरा, हमारे राहबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक हो चुके हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी हम लोग कोई कहोगे, जो कोई भी इस पाकिस्तान में रहता है, सैयदना खलीफा राशिद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के अल्फाज पढ़ लो जाते हैं, जब उनको हलाल पता हुई तो आपने क्या फरमाया, जब तक मैं अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलता हूँ मेरा साथ देना, जब मैं उसके रास्ते से हटने लगा मुझे सीधा कर देना। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब से पूछा, अगर मैं अल्लाह के रास्ते से हटूं तो तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़ा हुआ, अपनी तलवार निकाली और कहा ये करेंगे। सैयदना उमर ने कहा अल्लाह का शुक्र मेरे दुनिया में ऐसी काम मौजूद है जो मुझको अल्लाह के रास्ते पर रखने वाली, मेरे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा हुक्मरान किस तरह आता है, अगर इलेक्शन से आए, फौजी टेक ओवर से आए, इंकलाब के जरिए आता है, अल्लाह उसको तुम्हारे ऊपर नाफिज करता है, वो कह के करोगा ये मटीरियल बात है,
बात यह है कि जब तक वो अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चल रहा है उसके बात करना, जब वो हुक्म से हटने लगे उसको दुरुस्त करना ना हटे फिर उस बात की लाइन में सेवा करना। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह की रहमत आ रही है तुम्हारे ऊपर, अपने आप को तैयार करो। दोबारा हम ये बात करते हैं, अल्लाह की खुशखबरी हम तक पहुंचा दी गई है, अल्लाह उस कौम को रुसवा करने वाला नहीं है। इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ने इज्जत पाकिस्तान के लिए लिखी है, इज्जत तुम्हारे लिए लिखी है। जब अपने रब की मर्जी को समझो, खुली के तर्जुमा हो जाओ, खुदा के राजदार हो जाओ। अभी समझ लो इस बात को कि अल्लाह ताला तो फैसले कर चुका है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया कुछ खुश नसीब हो गए, कुछ बदनसीब हो गए। जब पाकिस्तान को फैलाया जा रहा था कुछ खुश नसीब हो गए, कुछ बदनसीब हो गए। आज इस पाकिस्तान की तकनीक कमीशन उठाया गया है, कुछ खुश नसीब होंगे, कुछ बदनसीब होंगे। सिर्फ ये फिक्र करो कि तुम्हें अल्लाह ताला तारीख के तकदीर के उस दिन में रखे जो खुश नसीबों की है, जो अंबिया सिद्दीकीन सौदा और सालेहीन की है, जो अल्लाह के वली उतर बैठे फकीरों की है, और उस जमात की है जो हिज्बुल्लाह है, और अल्लाह तुमको उस जमात से बचाए जो तो शैतान है। अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। अब हम तुमसे इजाजत देते हैं, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान।